हेलो फ्रेंड्स मैं इकबाल सिंह हंस कोचिंग से आज एक नया टॉपिक लेके हाजिर हूं आपके सामने नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या है द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ ए स्पीकर इज एज नरेशन और रिपोर्टेड स्पीच जैसे कोई दो लोग बात कर रहे थे और मैंने उनकी बात सुनी और उस बात को आपको आकर बताऊं कि वो क्या बात कर रहे थे इसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे और इसको बताने के दो अलग अलग तरीके हैं एक तो उन्हीं के वर्ड्स में जो शब्द उन्होंने बोले सेम वर्ड्स को रिपीट करके मैं आपको बता सकता हूं दूसरा अपने वर्ड्स में उनकी बात को बताऊं तो आइए समझते हैं देर आर टू वेज ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ ए स्पीकर वी में कोट विद इन कोटेशन मार्क्स द स्पीकर ओन एक्चुअल वर्ड्स दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच जैसे मैंने कहा कि दो तरीके हैं तो एक तो तरीका यह है कि हम उसी के वर्ड्स में बताएं एक्चुअल वर्ड जो उसने बोले उसको हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं वी मे रिपोर्ट दैट वॉट स्पीकर सेड विदाउट कोटिंग हिज एग्जैक्ट वर्ड्स दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच हम सेम वर्ड्स ना बोल के और फिर आपको बताएं कि उस स्पीकर ने क्या बोला तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे एग्जाम्पल लेते हैं रवि सेड टू रेखा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू आई एम रीडिंग अ स्टोरी इन्वर्टेड कॉमा क्लोज सो ये है डायरेक्ट स्पीच रवि ने रेखा से कहा मैं एक स्टोरी पढ़ रहा हूं उसी के वर्ड्स को बताया हमने तो इस सेंटेंस में जो सेड है वो रिपोर्टिंग वर्ब है कि रवि ने रेखा से कहा मींस पास्ट टेंस में ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है आई एम रीडिंग अ स्टोरी दिस इज एक्चुअल स्पीच जो ऐसा उसने बोला उसी वे में हम उसको कोट करके बता रहे हैं अब इसी बात को कहने का दूसरा तरीका रवि टोल्ड रेखा दैट ही वॉज रीडिंग अ स्टोरी ही वॉज रीडिंग ए स्टोरी ये रिपोर्टेड स्पीच है इस बात को आई एम रीडिंग स्टोरी इसको बात को हमने अपने वर्ड्स में कहा रवि ने रेखा से कहा मैं स्टोरी पढ़ रहा हूं रवि ने रेखा से कहा कि वह स्टोरी पढ़ रहा था क्योंकि ये पास्ट टेंस में है तो इसको हमने पास्ट में चेंज कर दिया सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब ये है सेड तो रवि जो है सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का और रेखा ऑब्जेक्ट जो भी यहां पे बैठे होंगे सेड टू के पहले और बाद में वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कहा रिपोर्टिंग वर्ब के when we make indirect speech, the personal pronouns of direct speech are changed as follows. personal pronouns pronouns of first person that is i, we, my, mine, are, our, ours, me, us are changed according to the person of the subject of the reporting verb. Pronouns of second person, you, your, yours, are changed according to the person of the object of the reporting verb. Pronouns of third person, that is, he, his, him, she, her, hers, it, its, they, their, theirs, them, or any name or noun, are not changed. They remain in third person. Now, first person ke pronoun. Hai, जैसे आई वी माई माइन इनको हम चेंज करेंगे जो सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का उसके हिसाब से और सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन जैसे कि यू योर योर्स इनको चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब उसके हिसाब से और जो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है इनको चेंज हम नहीं करेंगे एग्जाम्पल देखते हैं रवि सेट टू रेखा आई एम रीडिंग ए स्टोरी सेम सेंटेंस रवि टोल्ड रेखा दैट ही वॉज रीडिंग ए स्टोरी आइए इसको एनालाइज करते हैं सेट टू को हमने चेंज करके टोल्ड कर दिया हम चाहें तो सेट टू भी रख सकते हैं कोटेशन मार्क यानी इनवर्टेड कॉमास को हटाकर हमने दैट लगा दिया और जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है आई उसको हमने चेंज किया सब्जेक्ट के हिसाब से रवि के हिसाब से उसको ही बना दिया रवि सेट टू रेखा आई एम रीडिंग ए स्टोरी रवि टोल रेखा दैट ही वॉज रीडिंग ए स्टोरी अब ये सेंटेंस देखिए रवि सेट टू रेखा यू आर ब्यूटिफुल हमने सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन लिया और उसको चेंज किया रवि टोल रेखा दैट शी वॉज ब्यूटिफुल यू को हमने शी में कन्वर्ट किया क्योंकि सेकेंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करते हैं रेखा फीमेल है इसलिए शी वॉज ब्यूटिफुल यू को हमने शी में चेंज किया इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में सेज या विल से

इन्वर्टेड को हम हटा के दैट लगा दिया आई को हमने यू बनाया फर्स्ट पर्सन को इसके हिसाब से लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ही रहने दिया क्योंकि बाहर रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट टेंस में है इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस सेड ऑल प्रेजेंट टेंसिस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच आर चेंज इन टू कॉरेस्पोंडिंग पास्टेंसेज अगर रिपोर्टिंग वर्ब पासेंस में है जैसे कि सेड या सेट टू जो सभी प्रेजेंटेंस को जो डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट टेंस के वर्ड हैं उनको चेंज करेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंसेज में जैसे यू सेट टू मी आई एम प्लेइंग यू टोल्ड मी दैट प्लेइंग सेट टू क्योंकि सेट जो है पास्ट टेंस में है इसलिए आई एम प्लेइंग की जगह यू वर प्लेइंग पास टेंस कर दिया पास्ट कॉन्टिन्यूस चेंज इन टेंसिस वन रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस प्रेजेंट इनडेफिनिट चेंजेस इन टू पास इन डेफिनेट ही सेट टू मी दीपक गोज टू स्कूल पास्ट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब और ये गोज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद एस एंड डी एस तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है हम इसको पास्ट इंडेफिनेट में चेंज करेंगे आई ही टोल्ड मी दैट दीपक वेंट टू स्कूल सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनेट पास्ट इंडेफिनेट प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस चेंजेस टू पास्ट कॉन्टिन्यूस रीता सेट टू मोहन

रवि रोट ए लेटर सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनेट शी टोल्ड मोहन दैट रवि हैड रिटर्न ए लेटर हैड एंड थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट पास्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करेंगे गीता सेट रोहन वॉज वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट गीता सेट दैट रोहन हैड बीन वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट वॉज एंड फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी कोई चेंज नहीं होता है एडवर्ब्स और टाइम और प्लेस इंडिकेटिंग वर्ड को हम चेंज करते हैं कैसे टूडे को दैट डे टुमारो द नेक्स्ट डे येस्टरडे को चेंज करेंगे द प्रीवियस डे लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट लास्ट वीक द प्रीवियस वीक नेक्स्ट वीक द फॉलोइंग वीक टू नाइट दैट नाइट दिस दैट दीज देयर नाउ देन एगो बिफोर दस सो हेंस धेंस हेयर बाय देयर बाय Will शेल को चेंज करेंगे वुड में विल शेल को वुड में मे को माइट में कैन को कुड में जस्ट को देन एंड कम को गो में चेंज करेंगे एग्जाम्पल्स देखते हैं कुछ आई सेट टू हिम यू आर वेरी एम्बिशियस आई टोल्ड हिम दैट ही वॉज वेरी एम्बिशियस सेट टू को टोल्ड बनाया वोटेशन मार्क हटाया दैट लगा दिया यू आर वेरी एम्बिशियस क्योंकि बाहर पास्ट है इसलिए हमने इसको चेंज किया सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट ही वाज वेरी एम्बिशियस यू को हमने ही बनाया क्यों क्योंकि यू जो है सेकेंड पर्सन है तो वो चेंज होगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से हिम के हिसाब से ही बन गया ही सेट टू मी योर ब्रदर हैज सेंट यू ए गिफ्ट ही टोल्ड मी दैट माई ब्रदर हैड सेंट मी अ गिफ्ट तो हैज सेंट को हैड सेंट मींस प्रेजेंट परफेक्ट को पास परफेक्ट में चेंज किया योर ब्रदर माई ब्रदर क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है मी है तो उसके हिसाब से हमने योर ब्रदर को माई ब्रदर बनाया सेंट यू अ गिफ्ट सेंट मी अ गिफ्ट सेकेंड पर्सन यू योर इसको ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज किया ही सेड आई एम वर्किंग नाउ ही सेड दैट ही वॉज वर्किंग देन नाउ को देन में चेंज कर दिया इज एम आर आई एन जी वॉज वर आई आई को ही बना दिया क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से He said, "I left school long ago." He said that he had left school long before. आई लेफ्ट 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 जो है सेकेंड फॉर्म है पास इंडेफिनेट पास परफेक्ट में चेंज करेंगे हेड एंड थर्ड फॉर्म हरी सेट आई डो नॉट नो दिस लोकेशन हरी सेट दैट ही डिड नॉट नो दैट लोकेशन डो नॉट नो मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनेट डिड नॉट नो पास्ट इंडेफिनेट दिस लोकेशन दैट लोकेशन The policeman said, I caught two thieves last night. The policeman said that he had caught two thieves the previous night. Caught second form, had and third form may change. Kar diya. Last night, ko, the previous night. Universal truths. If the direct speech expresses a universal truth or a habitual fact, the tense is. टेंस इन द इनडायरेक्ट स्पीच इज नॉट चेंजड अगर जो डायरेक्ट स्पीच है जो कोटेशन के अंदर है वो यूनिवर्सल ट्रूथ या एक हैबिटुअल फैक्ट को एक्सप्रेस कर रही है तो हम जो टेंस है इनडायरेक्ट स्पीच का उसको चेंज नहीं करेंगे जैसे ही सेड गॉड इज एवरीवेयर ही सेड दैट गॉड इज एवरीवेयर तो इसको हमने चेंज नहीं किया रवि सेट द इविल दैट मैन डू लिवस आफ्टर दम रवि सेट दैट द इविल दैट मैन डू लिवस आफ्टर दम तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी द सन सनराइज इन द ईस्ट ऐसे जो यूनिवर्सल ट्रूथ हैं उनको हम उनके टेंसेज को चेंज नहीं करेंगे

दूसरे वर्ब्स हम यूज़ कर सकते हैं लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि उनको चेंज करें कर भी सकते हैं पर ज़रूरी नहीं है ये एक्सप्रेस करने के लिए कि स्पीच जो है रिप्लाई है कन्फेशन है या रिमाइंडर है ये वाले वर्ब हम यूज़ कर सकते हैं अगर इच्छा हो तो रिप्लाई स्टेट डिक्लेयर कन्फेस्ट रिमार्क रिमाइंड या इन्फॉर्म ऐसे वर्ड्स को हम ऐसे वर्ब्स को हम यूज़ कर सकते हैं इंटेरोगेटिव यानी के क्वेश्चन द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज टू आस्क एनक्र डिमांड क्वेरी अगर क्वेश्चन है तो जो रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू उसको हम इन वर्ड में चेंज कर सकते हैं आस्क इनक्वायर डिमांड या क्वेरी में वेन द क्वेश्चन बिगिनस विद एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और एडवर्ब सच एज वट हुए हाउ जिनको हम डब्ल्यू फैमिली भी बोलते हैं दीज वर्ड्स बिकम ज्वाइनिंग वर्ड इफ और वेदर इज नॉट यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग अगर ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन व्हाट, वट ये लगे हुए हैं तो हम इनको ही एज ए ज्वाइनिंग वर्ड यूज़ करेंगे इफ या वेदर लगाने की जरूरत नहीं है लेकिन दूसरे क्वेश्चन वेन द क्वेश्चन बिगिन विद इज आर डू हैज विल, कैन एटसेट्रा और वेन आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज इन यस और नो, इफ और वेदर इज यूज फॉर ज्वाइनिंग अगर क्वेश्चन में ये वर्ड्स हैं स्टार्टिंग में डब्ल्यू एच फैमिली के नहीं है तो हम इफ या वेदर यूज करते हैं ज्वाइन करने के लिए रिपोर्टिंग रिपोर्टेड स्पीच को इन बोथ द केसेस क्वेश्चन फॉर्म इज चेंज इन टू लेकिन क्वेश्चन कोई भी हो चाहे वट वेयर वाला या सिंपल हम जो क्वेश्चन को असरटिव फॉर्म में चेंज कर देंगे यानी क्वेश्चन को क्वेश्चन नहीं रहने देंगे सिंपल सेंटेंस में चेंज करेंगे उसको जैसे आई सेट टू हिम हु आर यू आई इनक्वायर्ड ऑफ हिम हु वाज। अब सेट टू को हमने एनक्वायर कर दिया आस्क भी कह सकते हैं तो हु जो है वो उसको हमने जॉइनिंग के लिए यूज कर लिया हु आर यू जो प्रेजेंट टेंस है उसको पास टेंस में चेंज किया लेकिन क्वेश्चन नहीं रहने दिया who he was? Who was he नहीं बोला हमने नहीं तो क्वेश्चन बन जाता who was he? इसको सिंपल सेंटेंस बनाया आई एनक्वायर्ड ऑफ हिम हु ही वॉज अमर सेट टू मी वाई डू यू नॉट गो होम अमर आस्क

He asked Sham where he had gone. Did, यानी past indefinite, had and in third form, past perfect. He said to me, "Why were you beating the boy?" He demanded of me, "Why I had been beating the boy?" Said demanded of. Was were, ing, had been an ing.

शी आस्क हर सन इफ ही न्यू दैट गर्ल कोटेशन हटा के हमने इफ यूज किया इफ यूज yeah, करेंगे इसमें हम और डू यू नो दैट गर्ल मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनेट हमने इसको पास इंडेफिनेट में चेंज किया लेकिन सिंपल सेंटेंस बना दिया इफ ही न्यू दैट गर्ल सेकेंड फॉर्म द टीचर सेट टू द बॉय कैन यू लिफ्ट दिस वेट द टीचर आस्क द बॉय

योर बुक हिज बुक आई एन्क्वायर ऑफ हिम वेदर ही हैड गिवन हर हिज बुक यू सेट टू हर डिड यू लाइक माई शो यू आस्क हर इफ शी हैड लाइक्ड योर शो डिड पास्ट एंड डेफिनेट हैड एंड थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट यू को चेंज किया हर के हिसाब से शी माई शो फर्स्ट पर्सन यू के हिसाब से चेंज हुआ योर शो वैसे भी अगर हम देखें तो यू जो है हर से बात कर रहा है अब यू डिड यू यू किसको बोलेगा इसको तो शी इसके हिसाब से चेंज हो जाएगा माई शो माई शो कौन कह रहा है ये कह रहा है कि मेरा शो तो योर शो हो जाएगा तो जो ऐसे हम प्रोनाउंस को चेंज करेंगे

उसको हम ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं जैसे ये सारे वर्ड रिक्वेस्ट ऑर्डर बैग इंप्लोर, कमांड ये सब वर्ड यूज करते हैं हम चेंज करके ऑल वर्ब्स एक्सेप्ट प्रपोज मस्ट बी फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट ये सारे वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट भी लगाना जरूरी है जैसे आई सेट टू हिम तो आएगा आई रिक्वेस्टेड हिम हमें पीछे ऑब्जेक्ट भी लगाना जरूरी है और जो इंफिनेटिव हैं, सच एज टू गो टू वर्क नॉट टू ईट तो ये हम इंफिनेटिव यूज करते हैं इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस में एग्जाम्पल लेते हैं ही सेट टू मी ओबे योर पेरेंट्स ही एडवाइज्ड मी टू ओबे माई पेरेंट्स टू एंड वही फर्स्ट फॉर्म यूज कर ली हमने माई पेरेंट्स को योर पेरेंट्स को माई पेरेंट्स योर मीन सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज कर दिया हि एडवाइज मी टू ओबे माई पेरेंट्स इसको दूसरे तरीके से भी चेंज कर सकते हैं जैसे ही एडवाइज मी दैट आई शुड ओबे माई पेरेंट्स शुड लगा के भी चेंज कर सकते हैं। the teacher said to the boys work hard the teacher advised the boys to work hard joy said to me lend me your pen please please requested joy requested me to lend him my pen the doctor said to the patient do not eat too many sweets the doctor advised the patient not to eat too many sweets डो नॉट ईट को हमने नॉट टू ईट में चेंज किया नॉट टू सेट टू go गो टू market ही फोर बेड हिज सन टू गो टू market जब फोर बेड वर्ड यूज करते हैं तो हम नॉट नहीं लगाते तो फोर बेड का मीनिंग ही है मना करना तो इसी लिए नॉट इसमें नहीं लगता ही फोर बेड मी फोर बेड हिज सन टू गो टू द मार्केट ने मार्केट जाने से अपने बेटे को मना किया चेंजिंग लेट लेट इज यूज टू एक्सप्रेस रिक्वेस्ट सजेशन और कमांड लेट को हम रिक्वेस्ट सजेशन या कमांड के लिए यूज करते हैं उसको कैसे चेंज करेंगे टू लेट हिम गो टू लगा के लेट हिम गो he said, let's take him to the doctor. he suggested that they should take him to the doctor. suggestion may should use garengay. he said, let's take him to the doctor. he suggested that they should take him to the doctor. the police inspector said, let no one leave the room. the police inspector ordered that no one should leave the room.

तो ये वाले वर्ब्स को यूज करेंगे और जो इंटरजेक्शन हैं उनको ओमिट करेंगे मीन्स उनको यूज नहीं करेंगे कौन से इंटरजेक्शन जैसे ओह अलास हलास एटसेट्रा ये वाले जो इंटरजेक्शन हैं इनको हम हटा देंगे इनडायरेक्ट स्पीच में इनको रिमूव कर देंगे एग्जाम्पल द चाइल्ड सेड हुर्रा मदर हैज कम the child exclaimed with joy or delight that his mother had come हमने एक्सक्लेम्ड लगाया क्योंकि खुशी का मामला था हुर्रा और ये जो एक इंटरजेक्शन है हुर्रा हमने इसको रिमूव कर दिया द चाइल्ड एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट हिज मदर हैड कम द बॉय सेड alas we have lost the match द बॉय एक्सक्लेम्ड विद सोरो या फिर द बॉयज एक्सक्लेम्ड हैड लॉस्ट द मैच तो ये थे यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच तो उम्मीद है आपको काफी हद तक समझ में आ गया होगा और अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और बाकी वीडियो के लिए हमारे चैनल हंस कोचिंग को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू फॉर वॉचिंग